हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मलत दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मुझे किसी शायर का एक शेर याद आता है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसीब था, जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये बात हम इसलिए कह रहे कि कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी तो उनके बुत चौराहों पर लग गए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में मंदिर ही बन गया। यही परंपरा शायद अब मध्य प्रदेश में दस्तक दे रही है। इसकी आहट हमें देखने को मिली है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां उन 50 युवाओं का दिल तोड़ा गया जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सागर की गंदी दीवारों पर बुंदेलखंड की संस्कृति उकेरी थी, बुंदेलखंड की सभ्यता उकेरी थी, देशभक्ति नारे लिखे थे। लेकिन नगर निगम प्रशासन कहता है कहां की देशभक्ति, कहां के बुंदेलखंड की आकृतियां, सारे मिटा दो, सारे हटा दो और उनकी जगह लगा दो कमलनाथ की मूर्ति। कमलनाथ ही सब कुछ है मध्य प्रदेश में। तो प्रशासन आप सुन लें, ये जनता जनार्दन है, सारे तमाशे देख रही है, वक्त तुम्हारा है, कल वक्त शायद उसका होगा। देखिए, खास रखो सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बशीर बद्र कहते हैं शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो भी टूट सकती है। यह तमाशा सागर में हुआ है, जो सागर के नगर निगम प्रशासन को पूरे मध्य प्रदेश में चापलूस बना गया। जी हां, इस शहर की जब दीवारें गंदी थीं, यह शहर स्मार्ट सिटी होने के बाद भी कुरूप और गंदा दिखता था। तब कुछ साल पहले कुछ सागर की युवा आगे आए, उन्हें लगा कि यह शहर हमारा है, इसे गंदा नहीं करना है। और फिर हम हैं इंसान ग्रुप के 50 नौजवानों ने इस शहर की कई गंदी दीवारों को साफ किया, उनका रंग रोगन किया, उसमें सुंदर सुंदर बुंदेलखंड की कलाकृतियां उकेरी। नगर निगम प्रशासन ने भी इसकी इजाजत दी। इन युवाओं ने पीटीसी ग्राउंड की दीवारों में रंग रोगन कर उनमें बुंदेलखंड की कलाकृतियां उकेरी। लेकिन आज सुबह से ही इन दीवारों पर इनकी उकेरी कलाकृतियों को पोत दिया गया, उन्हें अलग कर कमलनाथ साहिब की तस्वीर बना दी गई। तो ये बड़ी निंदनीय भी लगी हमें कि यार आप हमें कुछ अच्छा हौसला अफजाई नहीं कर सकते, तो कम से कम आप हमारे लिए ऐसे डिसअपॉइंटेड ही मत करो। आज हम पूरी टीम हमारी निराश हो गई कि हम कुछ अच्छा करते हैं, उसने शासन पे यहाँ पर उसको खराब कर दिया। शहर की अन्य 10 दीवारें भी गंदी पड़ी हैं, आप उनको अच्छा कर दो। हम पिछले 4 से 5 महीने से जो भी जगह गंदी लगती है उसको कर देते हैं। आज तक हम 1 रुपये का किसी शासन ने कोई सहयोग नहीं किया कि 1 रुपये का कलर भी आगे दे दिया हो, उल्टा ये तमाचा जरूर मार दिया है आज कर। और उसमें ऐसी कोई एक आकृति आप कोई बता दें कि वो धर्म विरोधी थी या जाति विरोधी थी या उससे किसी को नुकसान हो रहा था, ना ऐसा कोई स्लोगन है वहाँ पर। इतने प्यारे प्यारे स्लोगन लिखे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको मिटा देना कोई उद्देश्य ही समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मुख्यमंत्री जी को आना था तो मुख्यमंत्री जी की तस्वीर बना दी, हमने विरोध किया तो तस्वीर को फिर मिटा दिया। तो शासन का पैसा मिटाओ बनाओ मिटाओ बनाओ, इसमें पैसा लगाते रहेंगे। नगर निगम प्रशासन और आयुक्त ने बाकायदा एक ठेकेदार को यह ठेका भी दिया, युवाओं की मेहनत का खून करके अब उनकी जगह कमलनाथ की तस्वीर बनाना शुरू हुई है। वजह भी साफ है, इसी ग्राउंड में 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं, जो संत रविदास कुंभ में शामिल होंगे, साथ ही अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन युवाओं ने मंत्री हर्ष यादव से सवाल किया तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। उनका कहना है कि इन दीवारों पर सरकारी योजनाओं के कोटेशन लिखे जाएंगे, जिससे जनता और हितग्राहियों को फायदा होगा। अब मंत्री साहब कमलनाथ की फोटो में क्या सबको योजनाएं दिख जाएंगी? मंत्री जी से मिलने गए युवाओं की भावनाओं का कत्ल हुआ और उनसे कहा गया कि दीवारों पर योजनाओं का नाम लिखा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री की तस्वीर पर हो तो यह मानकर चलना चाहिए कि उसमें सब योजनाएं छुपी हैं, वो भले न दिख रही हो। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होगा, सरकार की प्रचार प्रसार नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो योजनाएं जो है
कहीं ना कहीं जनता जनार्दन से जुड़ी हुई, आम आदमी से जुड़ी हुई, पूरे जिले के लोग आएंगे, उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, लोगों को देखिए जानकारी भी मिले, ये भी तो महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब वह मामले रहते हैं, बहुत सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार मोदी जी एंड कंपनी क्यों कर रही है प्रचार प्रसार कर जाए, तो टी वी क्यों देखते हैं अपन लोग, मार्केटिंग होती है उसी दिन अपन लोग पहुँच जाते हैं कपड़े के दुकान पर, क्यों देखते हैं? यदि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? और अपन लोग सागर के वासी हो गए, ये सब चीज़ों के क्यों बना रहे हैं? अच्छी बात नहीं है, हमारा नारा की बात आधा आधा हो गया, आधा जो है पूरा हो एक हो जाएगा, आप अगर इतना कर दो नहीं बिल्कुल इतना हो जाएगा। वाह रे नगर निगम प्रशासन, तुम्हें सागर की जनता 50 साल से जान रही है और तुम्हारी करतूत भी देख रही है। स्मार्ट सिटी होते हुए भी सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी की बातें करने वाले नगर निगम और सागर स्मार्ट सिटी, आप सुन लें, यह सिर्फ कागजों में स्मार्ट है, बाकी शहर गंदा है। खुशामद इतनी करो जितनी ठीक हो, नहीं तो यह तमाशा जनता देख रही है। आज आपने 50 सेवाओं की मेहनत पर पानी फेरा है, कल अगर जनता जाग गई तो प्रशासन और सरकार दोनों को दिक्कत आ सकती है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9993776776।